वेलकम बैक टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होममेकर। कैसे हैं आप लोग सब? 2020 का लास्ट डे आ गया, 31st दिसंबर, और फाइनली आज हम सब मिलके 2020 को बहुत ही ज़्यादा भारी दिल से बाय बोलने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि प्लीज़ 2021 हम सब की लाइफ में बहुत ही अच्छा आए, एटलीस्ट 2020 जैसा तो ना ही आए। और जाते जाते मुझे भी ऐसा ही ऐसा था कि आज सुबह से मैं व्लॉग शुरू कर दूंगी आप लोगों के साथ, मेरा पूरा दिन मैं एंजॉय करूंगी। पर एज यूजुअल 2-3 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी और उसकी वजह से आज सुबह से भी अच्छा मूड नहीं था ज़रा भी, और मैं उठ ही नहीं पा रही थी बेड से। ज़बरदस्ती मैं उठ के थोड़ा बहुत जो मैंने खाने का प्रिपेयर किया वो सब निपटाया, और शाम के लिए भी थोड़ी बहुत जो बनाना था वो मैंने प्रिपेयर किया, बिकॉज हम कुछ तो और कर नहीं सकते हैं, बाहर तो जा नहीं सकते हैं। और प्लान सोचा था कि 1-2 फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, कुछ बाहर जाएंगे, बट 2-3 दिन से ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरा ज़रा भी तबीयत ठीक नहीं था और उसकी वजह से वो बोलते हैं ना कि मूड भी पूरा चला गया था। तो वही फिर सोचा कि नहीं, अभी आज जो है लास्ट डे है 2020 का, तो बच्चों के लिए और फैमिली के लिए मुझे तो वापस से रूटीन में आना ही पड़ेगा। मैं अगर बेड पे लेटी रहूँगी तो किसी का भी मूड नहीं बनेगा। तो फिर अभी जस्ट मैं शुरू किया है व्लॉग और अभी बज रहे हैं 4:30, तो 4:30 को मैं अभी शुरू कर रही हूँ आप लोगों से। और सुबह मैंने थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके रखी है शाम के लिए, क्योंकि बहुत सारा मैंने कुछ सोचा था, ऐसा था कि 31st के दिन मैं आप लोगों से सुबह से बातें करूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी मेरा पूरा रूटीन मैं शेयर करूँगी, बट नहीं हो पाया। सुबह ऐसे ही मूंग चावल और रोटी बना लिए थे, और अभी शाम के लिए मैंने कुछ सोचा है, 2-3 चीज़ें बनाने वाली हूँ। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं नहीं खा पाऊँगी, बट फिर भी फैमिली और बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और फिर मुझे भी बुरा लग रहा था कि आज 31st का दिन है और कुछ भी ना करे वैसा हो ही नहीं सकता है। तो खैर, जो भी प्लान था वो नहीं हो पाया, तो भी मुझसे बनता मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हो सके उतनी डिफरेंट चीज़ें बना के एटलीस्ट उन लोगों को बाहर होटल का जो मिस हो रहा है माहौल वो मिस ना हो, और थोड़ा बहुत वो लोग एंजॉय कर सके और हम लोग भी। और सीन ऐसा हुआ कि पहले ऐसा प्लान था कि दोपहर को सारा चीज़ें जो भी है वो मैं 4 बजे तक बना लूँगी और फिर 5 बजे हम लोग कहीं पे चक्कर लगाने जाएंगे ऐसे ही कार में घूमने, और फिर 8 बजे तक आके फिर घर पे डिनर एंजॉय करेंगे। बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि प्रसाद को कुछ इमरजेंसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और वो अभी तक आया नहीं है। तो वही है कि कुछ भी जो प्लान में नहीं था वो सारी चीज़ें हो रही है, तो बस अभी हो गया। ऐसा हो रहा है कि 2020 जाए और 2021 हम सब की लाइफ में सुकून लेके आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने 2020 में अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है कोरोना की वजह से, तो बस हम लोग ये सब मिलके यही प्रे करेंगे कि सबकी हेल्थ अच्छी रखे भगवान और किसी को किसी से दूर ना करें, सबको अपने फैमिली के साथ रखे, हंसते हुए खुश रहते हुए हेल्दी। तो अभी आप लोग बोलोगे कि मैं रेडी कैसे हूँ अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो, बट हाँ, आप लोगों के लिए और फैमिली के लिए और खुद के लिए मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि 4 बजे तक मैं ऐसे ही लेटी थी बेड पे, कुछ नहीं किया था सुबह से। अगर मैं आपको अभी किचन का माहौल भी दिखाऊंगी आप लोग बोलोगे कि पूजा ने कुछ भी काम नहीं किया है सुबह से। जब 4 बज गए तब ऐसा हुआ कि नहीं पूजा, अभी तू बेड से बाहर निकल, और बाहर निकल के अगर हम अपने आप को कुछ रेडी नहीं करेंगे तो मूड भी नहीं आएगा। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने आप को पुश किया कि मुझे रेडी होना है, मुझे ब्लॉग करना है, आप लोगों से बातें करनी है, और मेरे खुद के फैमिली को भी मुझे अच्छा फील करवाना है आज के दिन, ना कि सब लोग ऐसे ही बोरियत से बैठे रहे घर पे। तो चलिए देखते हैं किचन में कैसा है माहौल आज सुबह से मेरे घर का। ये देखिए, कल रात को उपमा बनाया था तो वो आज सुबह से नाश्ते में हमने यूज़ किया था, ऐसे ही पड़ा है। इधर मैंने रात के खाने के लिए कुछ बना के रखा है, बाद में आपको दिखाती हूँ। इसमें मूंग बनाए थे, वो भी अभी वैसे के वैसे है, ना ही मैंने उसको सर्विंग बॉल में निकाल के कुछ किया है, ना ही फ्रिज में रखा है। इधर दूध निकाल के रखा है अभी चाय के लिए। इधर चावल बनाए थे वो है,
अभी इधर है बर्तन जो सुबह के ऐसे पड़े हैं, और ये जो वॉश करके रखे थे मैंने वो भी वैसे के वैसे। तो ये माहौल है अभी किचन का, और जब तक मैं ये सारी चीज़ें अभी अच्छे से निपटाती हूँ तब तक आप लोग एक काम कीजिए, जाके एक रेसिपी देख लीजिए जो कि है चॉकलेट ट्रफल केक जो मैंने कल बनाया था, और वो आप लोग देखिए। तब तक मैं वापस आती हूँ इतना काम निपटाने के बाद। शुरुआत करते हैं वेट इंग्रेडिएंट से। मैंने ले लिया है 1 कप मिल्क, 1 कप जैगरी पाउडर एंड 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल, 1/3 कप कर्ड उसमें ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा वेनिला एक्सट्रैक्ट। अभी अच्छे से उसको विस्क कर लेना है। शुरू करते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ले लिया है 2 कप स्वीट फ्लो, सीव इट प्रॉपरली। साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑफ कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिक्स इट वेल। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैं ऐड कर रही हूँ सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और अच्छे से उसको कट एंड फोल्ड की मेथड पे मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी मैच करने के लिए मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 3-4 चम्मच मिल्क। अब केक बैटर इज रेडी। नाउ केक मोल्ड को मैंने ऑलरेडी ग्रीस कर लिया है बटर से, और उसमें अभी सारा जो भी केक का बैटर है वो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। मोल्ड जाएगा माइक्रोवेव में जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करके रखा है। शुरू करते हैं हमारा चॉकलेट गनाश बनाने का, और उसको मैंने रख दिया है डबल बॉयलर में बॉयल होने के लिए। मैंने ऐड कर दिया है अमूल का डार्क चॉकलेट, साथ ही थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स, और अभी उसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। साथ ही उसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्रीम, 150 ग्राम ऑफ क्रीम मैं उसमें ऐड कर दूंगी, और 1/2 टीस्पून ऑफ बटर, और उसके बाद हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। यू कैन मेक श्योर दैट कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस ओनली। केक भी हमारा बनके रेडी है, उसको मैं अभी अनमोल्ड कर रही हूँ, और ये जो शेप हुआ है वो मैंने नहीं किया है, वो खुद ब खुद ऐसा हो गया। बट वैसे भी मैं ऐसा उसको कट करने वाली थी तो मेरे लिए एक आसानी हो गई थी। और उस पर अभी अप्लाई कर रही हूँ हमारा चॉकलेट सिरप जो कि मैंने बना के रखा था उसको फ्रिज में मिनिमम 10-15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए। और अभी आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कितनी अच्छी हो गई है। और फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी इस तरह का केक, सो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मेरे पास उतने सारे इंग्रेडिएंट्स और वो सारी चीज़ें भी नहीं थी जो केक के लिए लगती है। तो जो भी मेरे पास था उसी से मैंने मैनेज करके ये वाला केक बनाने का ट्राई किया है, चॉकलेट ट्रफल केक। और ये वाले मोल्ड भी मैंने मंगवाए हैं, ये वाली पाइपिंग बैग मैंने मंगवाई थी, उसमें बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के मोल्ड आए हैं, तो उसी में से मैं अभी ट्राई कर रही हूँ थोड़े से फूल का शेप देने का, फ्लावर का। और उसके बाद जो मेरा केक बना था वो सही में फर्स्ट टाइम के मुताबिक बहुत ही अच्छा बना था, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये वाली रेसिपी शेयर कर दूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारी चीज़ में प्रोफेशनल ही हो, हम जैसे नॉर्मल लोग भी सारी चीज़ें हम घर पर बना सकते हैं और अच्छी वाली बना के खा सकते हैं। और
जब आप कोई भी चीज़ खुद बनाते हो घर पे पहली बार, तो उसका अगर इतना अच्छा नतीजा आता है तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, ख़ास करके जब फैमिली को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। सो फाइनली अवर क्रिसमस न्यू ईयर केक इज़ रेडी, चॉकलेट ट्रफल केक। टिन तारा चलता है क्या नौ से बारह, फोटोग्राफ लेना, फोटो सेशन करना, वो भी बच्चों के साथ, मतलब पसीने निकाल देने वाली बात है। बट आज लास्ट डे है साल का, तो सोचा एक दो फोटो ले लेते हैं, और उसके लिए आर्यन को रेडी करना, क्योंकि वो ज़रा भी पिक्चर मतलब कॉन्शियस नहीं है, उसको आना पसंद ही नहीं है कोई भी पिक्चर में। और उसको फिर बोलने का कि भैया तू रेडी हो जा, थोड़ी देर के लिए आ जा हमारे साथ, एक पिक्चर क्लिक करवा ले। उसमें इतने उसने नखरे किए, इतना हमारा टाइम पास करवाया है आज, तो फाइनली पिक्चर्स क्लिक हो गई है। मैंने थोड़ी बहुत प्रिपेप कर ली है, टमाटर रखे हैं, लेटस है, साथ ही है बर्गर बंस, मतलब कि क्या बनने वाला है बर्गर। इधर है स्वीट पोटैटो फ्राइज, ये मुझे इस बार मिली तो मैंने सोचा कि उन्हें ट्राई किया जाए ये कैसी है। अगर मैं आज इसको बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर से शेयर करूंगी कि ये कैसी भी है। और साथ ही है मकेन की वेजी बर्गर टिक्की, जो कि बर्गर के लिए है। और साथ ही में मैंने बनाया है, सुबह ही बना के रख दिया था, चिली गार्लिक मशरूम। ये चिली गार्लिक मशरूम मैंने सुबह बनाया था, मशरूम पड़े थे, और आर्यन का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और साथ ही बनाने वाली हूँ पनीर टिक्का बारबेक्यू, पनीर पेपर एंड अनियन, ये तीनों चीज़ें घर में पड़ी थी, तो फिर सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू बनाया जाए। मतलब थोड़ी सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर किया है, और कोशिश की है कि बाहर के जैसा, होटल के जैसा इन लोगों को फील आए, और जो होटल का खाना होता है वो मिस ना हो। तो बारबेक्यू के साथ जो चटनी रहती है वो भी मैंने प्रिपेयर कर दी है, सब चीज़ें मैंने सुबह ही कर दी थी। और बारबेक्यू के लिए जो भी सारे वेजिटेबल्स है उसको भी मैंने मैरिनेट करके सुबह ही फ्रिज में रख दिए थे। तो अभी बारबेक्यू बनेगा, बर्गर बनेगा, साथ ही में है चिली गार्लिक मशरूम, और केक बनाई थी मैंने, आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली केक की रेसिपी, तो मुझे ज़रूर से बताना कैसी लगी आप लोगों को। तो साथ में है केक, तो आज ये है हमारा डिनर का मेन्यू। सोचा था कि आइसक्रीम भी ऑर्डर करूँगी, बट तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मन नहीं हो रहा है कि आइसक्रीम नहीं खाते हैं, क्या बोलते हो, खा लें तो देखती हूँ क्या है, बट पता नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। अभी मैं ये कैमरे को भी होल्ड नहीं कर पा रही हूँ मेरे हाथ से, इतनी देर में मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहे हैं, दोनों हाथ, पता नहीं क्यों, या तो फिर अब आजकल लोड कुछ ज़्यादा आ रहा है ये सारे काम का, क्योंकि पहले मैं कम्प्लीटली मेड पे डिपेंड थी घर के कामों के लिए, और पिछले 10 महीने से मैं खुद कर रही हूँ। तो वो बोलते हैं ना कि आप खींच खींच के भी कितना खींचोगे, तो वो अभी मेरे आ गया है, एक लिमिट आ गई है। तो अभी सोच रही हूँ कि जल्दी से मेड बंधवा लूँगी, देखा जाएगा जो होगा। कोरोना को तो इस साल आज की रात ही हम लोग बाय बाय बोल देंगे, और 2021 में कोशिश करेंगे कि कोरोना का नाम हमको सुनने को ही ना आए। ये वाले जो स्क्यूअर्स है वो मैंने बीच में मंगवाए थे। अगर आप लोगों ने मेरी बारबेक्यू वाली डिटेल्ड रेसिपी नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड चेक दैट रेसिपी। आज मैं आप लोगों से कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, तो अगर आपको देखना है कि बारबेक्यू मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, और उसकी जो चटनी रहती है खास करके, तो वो कैसे है, तो मेरा ऑलरेडी ब्लॉग है, तो आप लोग जाइए और देख लीजिए वो बारबेक्यू की रेसिपी। जल्दी से स्क्यूअर्स में डाल देते हैं सारी चीजें। इधर मैं और आर्यन खेल रहे हैं एक खेल जो कि है ट्रेजर हंट। प्रसाद कर रहा है अपना ऑफिस का काम, क्योंकि आज जैसे कि मैंने बोला वो कुछ इमरजेंसी काम के लिए बाहर चला गया था, तो सारा काम पेंडिंग था, तो ही इज डूइंग हिज वर्क विच इज नेसेसरी। और मैं और आर्यन अभी ऐसे ही बैठे थे, तो सोचा थोड़ा बहुत खेल खेल लेते हैं, तो ट्रेजर हंट खेल रहे हैं। और मेरा एक हेयर का जो क्लिप रहता है वो है
जो मुझे छुपाना था और उसको अभी करना है सर्च, तो वो अभी सर्च कर रहा है, देखते हैं उसको मिलता है या नहीं। चलो लग जाओ काम पे। ओह ही गॉट इट, ही गॉट इट, नाउ माय टर्न, लेट्स। तो अभी मेरा टर्न है और मेरा टर्न है छुपने का, तो मैं अभी अंदर जा रही हूँ छुपने के लिए आर्यन के रूम में। चलिए देखते हैं हम ढूंढ पाते हैं या नहीं। और ये रूम की तो हालत आप लोगों को दिखाने जैसी ज़रा भी नहीं है, बट थोड़े दिन की ही बात है, उसके बाद कुछ होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। रेडी? तो चलिए अभी चलते हैं बाहर और देखते हैं कि उसने किधर छुपाया है। अभी मेरी बारी है सर्च करने की। है तो वो ब्लैक कलर का क्लिप। चलिए सर्च करते हैं। वो इधर कहीं पे घूम रहा था, इधर कहीं पे रखा है, इधर होगा। काले कलर का क्लिप। पास। ओके पास। पास कच्चे। ओ दिस। तो फाइनली हरियन को नहीं पता चला है कि मैंने किधर रखा, पर आप लोगों को पता है राइट? तो चलिए अभी उसको बता देते हैं। वो स्टैंड लेके आ। तो ये था हमारा गेम जो हम खेल रहे हैं, इन शॉर्ट टाइम पास कर रहे हैं। आज के दिन बाहर नहीं जाना है क्योंकि प्रसाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाहर जाके आया है, तो उसको अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो ऐसे ही घर पे बैठे हैं, अभी खाएंगे पिएंगे, फिर टीवी देखेंगे, डांस करेंगे। आ गई हूँ मैं किचन में और शुरू कर दिया है मैंने बारबेक्यू बनाने का। तो ये रहा, एक्चुअली मेरे चिमनी की लाइट जो है वो चली गई है, तो उसकी वजह से आपको लाइट शायद कम पड़ेगी। दूसरी भी ग्रिल है बट बाद में वो जो पूरा गैस जो बर्नर रहता है वो साफ करने का रहता है, तो अभी वैसे भी दो ही बचे हैं तो मैं इसी में कर दूंगी। वो वाला गैस मैं हो सके उतना गंदा नहीं करूंगी। फाइनली सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई है, अभी मैं किचन से बाहर आ गई हूँ। बज रहे हैं 7 o'clock, ये 10 मिनट आ गए हैं। तो आज प्रसाद का लंच रह गया था क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो बाहर गया था, तो आज थोड़ा जल्दी ही हम लोग डिनर कर रहे हैं। थक गई हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी जो भी मेरे से हो सका उतना मैंने ट्राई किया कि डिनर में एटलीस्ट उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगे कि बाहर नहीं गए हैं तो क्या हुआ, घर पर भी हम कुछ कर सकते हैं अच्छे से। तो इधर देखिए मैंने प्रिपेयर किया है, आप लोगों को बता देती हूँ। इधर है बर्गर जो कि मैं तो नहीं खाऊंगी बट मैंने 3 बना के रखे हैं। इधर है चिली गार्लिक मशरूम। इधर है ये स्वीट पोटैटो फ्राइज एंड हमारा पनीर टिक्का विथ पनीर टिक्का का जो डिप रहता है वो। तो ये है आज का हमारा डिनर का मेन्यू। कोशिश की है कि अच्छे से होटल जैसा फील आए और हम लोग अच्छे से हमारा डिनर एंजॉय करें। तो आप लोगों से अभी मैं मिलती हूँ डिनर के बाद, थोड़ी देर बाद। डिनर हमारा हो गया है और अभी बजे हैं 8:30। अभी भी काफ़ी देर है न्यू ईयर के लिए, बट आज का व्लॉग जो है वो मैं इधर ही ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ वापस से ठीक नहीं लग रही है मुझको, तो मैं शायद सो भी जाऊँगी, 12 बजे तक नहीं जगूँगी। होता है, सबकी लाइफ सेम नहीं होती है,
कभी कभार हेल्थ साथ नहीं देती है तो सारी चीज़ें हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो वैसा ही आज का मेरा दिन गया है। बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं हो सके उतना शूट करूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं और हो सके उतना मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आज मेरा दिन कैसा जा रहा है। बट हाँ, आज से आगे अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, तो जल्दी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तब तक आप लोग सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए और सबको मेरी तरफ से 2021 की मैं पहले ही बधाई दे रही हूँ आप सबको, पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर की तरफ से, कि ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना आप लोग 2021 में भी और आगे भी। और जो भी लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बोलूँगी डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहेंगे। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्टे सेफ और स्टे विथ योर फैमिली एंड एंजॉय दिस न्यू ईयर नाइट। बाय बाय।